स्टूडेंट्स मेरी वीडियो ख़त्म हो गई थी आठ मिनट की वीडियो बनने के बाद वीडियो स्टॉप हो गई मोबाइल में क्लीन ट्रैश का ऑप्शन आ गया उसके बाद मैंने दोबारा तो नई वीडियो बना रही हूँ एम सी क्यूज के लिए एल एल क्वेश्चन हैज डैश सिंबल इक्वल टू की सिंबल आती है सिंपल बातें बिल्कुल और ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है प्लस ऑप्शन सी है मल्टीप्लाई और ऑप्शन डी इज़ नॉट इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस विद एन इक्विलिटी साइन मेक्स अ लीनियर इक्वेशन एन अलजाब्रिक एक्सप्रेशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर और यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है तो ट्रू होगी या फॉल्स अगर ट्रू और फॉल्स में तो आपको नंबर्स दिए हुए होंगे ना नंबर्स या वर्ड्स में लिखा होगा पाकिस्तान इज़ इज़ अ नॉन मुस्लिम कंट्री तो ये फॉल्स सेंटेंस है पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री इज ट्रू सेंटेंस है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है ओके दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन नंबर ट्वेंटी टू देख लीजिए टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव जेड इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इट इज़ नॉट अ टू इक्वेशन इट इज़ नॉट अ फॉल्स एक्सप्रेशन इट इज अ इज इट्स एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओके नेक्स्ट मैं आपको सारी, सारी की सारी एम सी क्यूज दोबारा बता देती हूँ ओके okay, सो हमारे पास पहले जो लीनियर इक्वेशन की एमसी की थी ए प्लस नाइन इज इक्वल ए प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन इन ए इज इक्वल टू फोर सी ऑप्शन राइट था कन्वर्ट इन टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सब थ्री टाइम्स अ नंबर फ्रॉम फोर फोर माइनस थ्री एक्स सी ऑप्शन करेक्ट था नंबर थ्री था द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन इज वन कॉल लीनियर इक्वेशन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा नंबर फोर है हाफ ऑफ अ नंबर इज ट्वेल्व हाफ सी इज इक्वल टू ट्वेल्व बी ऑप्शन करेक्ट था कन्वर्ट इन टू लीनियर इक्वेसन फोर लेस दैन ट्वाइस नंबर गिवस एटीन फोर लेस दैन ट्वाइस नंबर का मतलब ये ऑप्शन बच्चों को सही लग रहा होता है बट दिस इज नॉट राइट दिस इज राइट टू एक्स माइनस फोर चार छोटा है तो ये ऑप्शन सही है सी नेक्स्ट है हमारे पास 12 में जब एट प्लस कर फोर प्लस करेंगे तो हो जाएगा सिक्सटीन फिर माइनस फोर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व अगेन फोर में से फोर ही माइनस कर दें तो ट्वेल्व ही बचेगा और ट्वेल्व में से एटीन माइनस करेंगे तो टू दिस इज अ फॉल्स सेंटेंस दिस इज अ फॉल्स इक्वेशन नेक्स्ट देख लीजिए टू एक्स प्लस थ्री टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन वाई इज इक्वल टू वाई की वैल्यू टेन अपॉन टू टेन अपॉन टू क्या हो जाए नहीं सेवन में से थ्री माइनस करें तो फोर अपॉन टू ये हो जाएगी टू डी ऑप्शन नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हंड्रेड वन माइनस ट्वेंटी वन यानी एटी इज इक्वल टू एटी इट इज अ ट्रू सेंटेंस ट्रू इक्वेशन थ्री सी प्लस नाइन इज एन अल्ज्रिक एक्सप्रेशन नॉट अ फॉल्स इक्वेशन नॉट अ लीनियर नॉट अ एन ओपन नेक्स्ट है हमारे पास टेन डैश इज एब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन यहाँ पर सिर्फ ये बी नजर आ रही नंबर इलेवन है थ्री एडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू एंड एन थ्री एड हुआ है प्रोडक्ट के टू और एन के वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर माइनस नाइन वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर माइनस नाइन इज इक्वल टू सेवन सी ऑप्शन करेक्ट है ये हमारे पास ट्वेल्व एम से क्यूज हो चुके हैं नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन हेयर ए इज इक्वल टू यहाँ पर नाइन में प्लस करेंगे फाइव तो हो जाएगा फोर्टीन ए ऑप्शन कन्वर्ट इन टू अल्ज्रिक एक्सप्रेशन थ्राइसन नंबर थ्राइस थ्राइसन नंबर मीज थ्री है नंबर फिफ्टीन है हमारे पास एम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर फ्रॉम के बाद वाली अमाउंट को सब्ट्रैक्शन में पहले लिखते हैं तो ये ऑप्शन राइट है नंबर बी ठीक है नंबर बी इज राइट इसके बाद अ नंबर माइनस नाइन एक नंबर माइनस हुआ है नाइन से देता है थर्टी फाइव तो ए ऑप्शन करेक्ट है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई फाइव का प्रोडक्ट और किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होता है सिक्सटी फाइव ये ऑप्शन राइट है वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर गिव्स नाइन्टी वन अपॉन फिफ्थ सी इज़ इक्वल टू या ए इज इक्वल टू नाइन्टी ये देख लीजिए ये ऑप्शन पी इज़ करेक्ट वन अप फिफ्थ हम इस तरह लिखते हैं मगर चूँकि यहाँ पर हम स्पेस को कम करने के लिए वन ऑफ वन फिफ्ट इस्ते लिख दिया सम ऑफ थ्री एंड वाई सम ऑफ थ्री और वाई सी ऑप्शन राइट है एंड अल्ज्रिक इक्वेशन हैज सिंपल इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिंपल बिल्कुल सही है नेक्स्ट है हमारे पास एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस विद एन इक्विलिटी साइन मेक्स अ लीनियर इक्वेशन और उसके बाद ये हमारे पास अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन नजर आ रही है स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे स्कूल में कुछ टीचर्स मुझसे पूछें थी तो वो मेरा नंबर ले सकती हैं स्कूल में आराम से कोई मसला नहीं है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकती हैं फ़ोन कर सकती हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं मैं व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई कर दूँगी ओके स्कूल की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग मी